नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मंत्री ने बांटी 3,57,53,000 की धनराशि। मनाई गई शिक्षण संस्थान के संस्थापक की जयंती। सूबे के 75 जिलों में एक समान लागू होगा पंचायत आरक्षण। 23,510 बच्चों को लगाया जाएगा जेई का टीका। सीएससी खैराबाद में हुए प्रदर्शन के मामले में 4 का चालान। सैनिक बनने की आशा के साथ छात्राएं साध रही निशाना। सीएससी खैराबाद के सामने ऑटो पर जना बच्चा। महौली में स्लैब डालते समय करंट से मजदूर की मौत। प्रदेश सरकार के श्रम व सेवा आयोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को मिशन शक्ति के तहत सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 6,712 श्रमिक लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। 3,57,53,287 रुपए की धनराशि बांटी। सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। शिविर में 1,000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार श्रमिकों को पूरा मान सम्मान दे रही है। श्रमिकों की बेटियों को शिक्षित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास कर रही है। समारोह में श्रम सेवा आयोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत रविदास शिक्षा सहायता योजना साइकिल हित लाभ सहित 198 लाभार्थियों को 11,46,000 धनराशि की साइकिलें वितरित की। इसी प्रकार निर्माण कामगार मृत्यु दिव्यांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्ट सहायता योजना में 29,20,000, कन्या विवाह सहायता योजना में 217 लाभार्थियों को 1,10,49,000 की धनराशि, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में 143 लाभार्थियों को 64,85,287 की धनराशि, चिकित्सा सुविधा योजना में 4,811 लाभार्थियों को 1,42,82,000 की धनराशि प्रदान की गई। समारोह के बाद में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने चहेतों में रेवड़ी की तरह साइकिलें बांटी थी। कार्यक्रम में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, पूर्व मंत्री रामहित भारती, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, भाजपा नेत्री आशा मौर्य, एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीडीओ संदीप कुमार, एसडीएम सदर अमित भट्ट, डीडीओ राकेश कुमार पांडे, श्रम प्रवर्तन अधिकारी इंदु भूषण आदि विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। पंचायती राज नियमावली में 11वें संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अब यूपी के पंचायत चुनाव में चक्का अनुक्रम आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को योगी की कैबिनेट ने सपा सरकार में पंचायती राज नियमावली में हुए 10वें संशोधन की 2 धाराओं को हटा दिया है। ऐसे में अब सूबे के सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू हो सकेगा। यही नहीं, प्रत्येक सीट का आरक्षण भी बदल जाएगा। इससे नए चेहरों को नुमाइंदगी करने का मौका भी मिलेगा। खास बात यह है कि पंचायत आरक्षण में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। सीटों के आरक्षण में अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के साथ
सामान्य वर्ग की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। शहर के रसौरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय ललित किशोर मल्होत्रा की जयंती और नर्सिंग डिपार्टमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी मनाई गई। इसमें जीएनएम, एएनएम और बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कर्तव्य निष्ठा व सेवा भाव की शपथ दिलाई गई। वक्ताओं ने स्वर्गीय मल्होत्रा के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल, जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ए के अग्रवाल और सीतापुर आई विजन के निदेशक कर्नल डॉक्टर रणवीर भदौरिया ने माँ सरस्वती व फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र, एसडीएम रायबरेली दिव्या ओझा, संस्थान की अध्यक्षा तनुश्री मल्होत्रा, संस्थान की सचिव सुमन मल्होत्रा, डीपीएस प्रधानाचार्य राकेश सिंह व रक्षिता मल्होत्रा, कोमल आनंद, आर.एस. मिश्रा, पूनम तिवारी, डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा आदि मौजूद थे। सीतापुर के 23,510 बच्चों को जेई से बचाव का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान 14 फरवरी से शुरू होगा। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके सिंह का कहना है कि जेई बीमारी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होती है। वह बताते हैं कि यह बीमारी मच्छर जनित है। इस बीमारी में दिमाग में सूजन आ जाती है और समय पर उचित इलाज न मिलने पर मरीज की जान भी जा सकती है। आई इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कसमंडा के सरौरा गांव में 20 वर्षों से बंद पड़े नलकूप की खबर आई इंडिया पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद नलकूप चालू होने की कवायद शुरू हो गई है। ट्रांसफार्मर लग गया है और बिल्डिंग का रंगरोगन भी करा दिया गया है। निवर्तमान प्रधान पद आसिफ, प्रकाश यादव, रिंकू खां, राशिद, पप्पू आदि ग्रामीणों ने आई इंडिया को धन्यवाद दिया है। हाथों में राइफल लेकर फायरिंग रेंज पर निशाना साध रही यह लड़कियां एनसीसी की 22 बटालियन सीतापुर की कैडेट्स हैं, जो सेना में कैरियर बनाने के साथ ही जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर हैं। दरअसल एनसीसी के 5 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 222 की या झांकी है, जिसमें सीतापुर जनपद के 10 कॉलेजों के लगभग 400 लड़के और लड़कियां प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिविर की शुरुआत करते हुए कैंप कमांडेंट कर्नल संजय सिंह ने बताया कि एनसीसी की सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले कैडेट्स को आर्मी स्पेशल एंट्री स्कीम में लिखित परीक्षा से छूट मिलती है। इसके अलावा सेना में ऑफिसर बनने में भी इसका लाभ मिलता है। एनसीसी का 5 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 12 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, एमडी मिश्रिक, कृषक इंटर कॉलेज मोहली, सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री कृष्णा डिग्री कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज, आरबीएसबी, सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर, जेएल एमडी इंटर कॉलेज खैराबाद के छात्र छात्राएं शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान लेफ्टिनेंट खान सादाब, जमीर पवन यादव, राजीव भारती, जेपी गौतम, सूबेदार मेजर कुंदन सिंह, सूबेदार महेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह, इंस्ट्रक्टर विशाल धर्मेंद्र मौजूद थे। सीएससी खैराबाद को L2 अस्पताल बनाए जाने के बाद मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को यहां नौनिहाल बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लग पाया। ऐसे में यहां आने वाले लोगों में आक्रोश दिखा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में ग्रामीण महिला तकनीकी पार्क योजना के तहत तीसरे बैच का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके तीसरे बैच में महिलाओं को खेतों से निकलने वाले खरपतवार, झाड़ फूस तथा अन्य ईंधन में प्रयोग न होने योग्य अवशेषों को विशेष उपकरण में जलाकर चारकोल में बदलने की तकनीक सिखाई गई। प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद सिंह, गृह वैज्ञानिक व परियोजना की प्रधान डॉक्टर श्रीमती सौरभ, डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह आदि ने सहयोग दिया।
शहर कोतवाली क्षेत्र की गल्ला मंडी के निकट एक मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मैगलगंज निवासी मोटरसाइकिल सवार वृद्ध राम अवतार सिंह चौहान की मौत हो गई। ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। खैराबाद ब्लॉक प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान विवाह बंधन में बंधे 9 जोड़ों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान शीर्ष इंटरप्राइजेज की मुखिया स्नेहा महेंद्र ने बहुओं को उपहार में दरी दी। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार यादव, प्रमुख प्रतिनिधि अजय प्रकाश त्रिपाठी, एडीओ प्रिया दीक्षित, अनिल कुमार शुक्ला, सचिंद्र यादव व जितेंद्र यादव और एनआरपी बाबू दिनेश चंद्र राठौर, सचिन यादव, सौरभ महेंद्र आदि मौजूद थे। थाना थान गांव के मूरतपुर गांव में मंगलवार की देर रात में सहजराम पुत्र गोबरे के घर के बाहर पशुबाड़े के छप्पर में आग लग गई। इसमें छप्पर के नीचे बंधी एक भैंस झुलस गई। बेड़े में लगा भूसा भी जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग को काबू कर लिया। लहरपुर के पक्का तालाब तीर्थ पर बने देवी मां मंदिर की बाउंड्री में बीती रात अज्ञात बालू लदे वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें बाउंड्री क्षतिग्रस्त हो गई। पुजारी बाबा जगदीश जग्गी ने बताया कि रात में जोरदार टक्कर की आवाज आई। बाहर निकलकर देखा कि दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली। स्वच्छाग्राहियों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई है। दुर्गेश सिंह ने बताया कि 3 साल तक स्वच्छाग्राहियों ने गांव-गांव जाकर शासन व प्रशासन के निर्देशों के अनुसार काम किया, लेकिन उन्हें अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जिले में 950 स्वच्छाग्राही हैं। इस मौके पर गुफरान खां, नीरज कुमार, अशोक कुमार, सर्वेश कुमार, प्रभावती, सुनील कुमार आदि मौजूद थे। मिश्रिक स्थित महंत मोहनदास त्यागी आश्रम पर स्वामी दयाल विश्वकर्मा मिश्रिक के सौजन्य से 7वां विशाल भंडारा, श्री विष्णु महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 1 से शाम 4 बजे और शाम 7 से रात 10 बजे के बीच कथा सुनाई जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य यजमान सीताराम विश्वकर्मा तथा उनकी धर्मपत्नी मुन्नी देवी विश्वकर्मा हैं। भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष राजकिशोर विश्वकर्मा स्वागत करता है। यशोदा कन्या महाविद्यालय मिश्रिक में भगवान श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दुर्गा वाहिनी की विभाग संयोजिका प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डाला। बजरंगी विमल मिश्र ने मंदिर निर्माण में धनराशि समर्पित करने का आह्वान किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, जिला संयोजिका वंदना मिश्रा, दीपक दीक्षित, शिवानी मिश्रा आदि मौजूद थीं। लहरपुर मोहल्ला छावनी निवासी सत्तार पुत्र मदारी को पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। सत्तार 8 फरवरी को मोटरसाइकिल से बिना बताए कहीं चले गए थे। कस्बा चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने गुमशुदा सत्तार की तलाश कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रेउसा के जालिम नगर में चल रही विशाल नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ के 5वें दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आचार्य मान सिंह के निर्देशन में हवन पूजन किया। इस दौरान दीक्षा संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि भी कराया गया। इसी के साथ महायज्ञ की पूर्णाहुति भी हो गई। इस मौके पर सभासद पंकज मौर्य, अवधेश मौर्य, राम सेवक मौर्य, शंभुदयाल मौर्य, अतुल मौर्य, कपिल मौर्य, छन्नूलाल निर्मल, मुकेश भार्गव आदि मौजूद थे। लहरपुर पुलिस ने गणेशपुर चौराहा से निवादा निवासी अमीन पुत्र रहूप को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 315 बोर तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई हैं। आरोपी पर दफा 25 की कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा, आरक्षी जटाशंकर यादव व मोहम्मद कासिम शामिल थे। सेवता क्षेत्र के
उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़रुआ देवरिया में बुधवार को ताला लटकता रहा। रसोइया छन्नू लाल ने बताया कि अध्यापकों ने विद्यालय खुलने को लेकर कोई सूचना नहीं दी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय खुरवलिया में स्कूल खुला मिला। खंड शिक्षा अधिकारी रेउसा सुंदरलाल रावत ने बताया कि बंद मिले स्कूल की जांच कराई जाएगी। अटरिया क्षेत्र के भगवतीपुर चौराहे के पास जय गुरुदेव देव सत्संगी भक्तों ने सत्संग और भंडारे का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा। इस दौरान शाकाहार का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष भानु प्रताप, ब्लॉक अध्यक्ष रामजीवन, अनूप कुमार शर्मा, मोतीलाल मौर्य, मनोज कुमार, बालक राम, पप्पू राम प्रताप, विजय मौर्य, बरातीलाल, राजेंद्र प्रसाद, गोकुल, हीरालाल, महादेव आदि मौजूद थे। लहरपुर पुलिस ने कोतवाल राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने मूड़ी खेड़ा चौराहे से जयदीप पुत्र हरनाम निवासी सैतियापुर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा। आरोपी की निशादेही पर लहन भी बरामद की गई। उपनिरीक्षक गिरिजा शंकर ने बताया कि आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ब्लॉक बिस्वा परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंडप सजाया गया। इसमें 24 जोड़ों की शादी कराई गई। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख राकेश वर्मा और खंड विकास अधिकारी विकास यादव ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विधायक ने जोड़ों को 500 रुपए का उपहार भी दिया। सिदौली में बुधवार को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। इसे लेकर विद्यालयों में मुकम्मल बंदोबस्त किए गए हैं। नेशनल जूनियर हाई स्कूल अलादातपुर सिदौली के प्रवेश द्वार पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को सैनिटाइज करके थर्मल स्कैनिंग भी की गई। इस मौके पर शिक्षक शांति प्रकाश मिश्रा, सुमेर संदीप पांडे, सतीश शुक्ल, हिमांशु सिंह, सत्यम पांडे, गिरिजा शंकर मिश्र, राजेश आदि मौजूद थे। सेवता के सिकरी माफी गांव में भगवान श्री राम मंदिर समर्पण निधि संग्रह अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ज्ञान तिवारी की पत्नी अंजू तिवारी ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मंदिर निर्माण में समर्पण करने का मौका मिल रहा है। इस मौके पर रामेंद्र तिवारी, सतीश अवस्थी, आशुतोष अनुराग, जीतू वाजपेयी, हिमांशु तिवारी, आलोक, अजय शर्मा, अंकित शर्मा आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए रोडवेज के एआरएम विमल लाजन ने बुधवार को अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के सदस्यों को सम्मानित किया। अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, केपी मिश्रा, आदर्श गुप्ता, नवीन श्रीवास्तव, शैलेंद्री तिवारी शैल, विकास सेठ, यासीन इब्ने उमर, विकास अग्रवाल, प्रगति वाजपेयी, जेई हरीश गौर, अवय श्रीवास्तव, प्रद्युम्न द्विवेदी, सीमा वाजपेयी, जावेद अहमद, नाहिद नाज, अमित वर्मा, सौरभ मिश्रा, शिवम शुक्ला, ईशान त्रिपाठी, सूरज, पवन कश्यप, ज्ञानु निषाद आदि को सम्मानित किया। लहरपुर में राजस्व जनक राजा टोडरमल की 518वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। शुभारंभ ग्राम राजापुर में बने तीर्थ स्थल पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद पालिका परिषद प्रांगण में राजा टोडरमल की मूर्ति का मालार्पण किया गया। एसडीएम पीएल मौर्य ने राजा टोडरमल के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सभासद सौरभ पुरी, नामी सभासद रामेश्वर दयाल तिवारी, सियाराम शर्मा, राम प्रसाद गौतम,
रमेश चंद द्विवेदी, विभूपुरी, माता प्रसाद रस्तोगी, उमंग मल्होत्रा, मयंक टंडन, रमेश मल्होत्रा, उमेश मल्होत्रा, दीपक टंडन, सिद्धपुरी, अनुपम पटेल आदि मौजूद थे। प्राइमरी विद्यालयों की सहभागिता हेतु बीआरसी मिश्रिक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आईएलए का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनर रागिनी मिश्रा, सरोज कुमारी, सुमन वैश्य आदि ने प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर ब्लॉक संरक्षक विद्यासागर मिश्र, उषा मिश्रा, सीमा देवी, शोभा शुक्ला, उर्मिला यादव, संतोष कुमारी आदि मौजूद थीं। पहला ब्लॉक प्रांगण में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 42 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख पहला मास्टर रामलाल यादव ने 42 जोड़ों को आशीर्वाद देकर 100-100 रुपए की दक्षिणा दी। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी काजल, एडीओ समाज कल्याण शुभम कुमार, एडीओ पंचायत दयाराम भारती, एडीओ कृषि राजकुमार, वरिष्ठ लिपिक राम लखन, एपीओ विनोद कुमार गौतम आदि मौजूद थे। राधा कृष्ण मंदिर कमलापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बजट पर चर्चा की। मंडल प्रभारी रामबख्श रावत ने कहा कि सरकार ने बजट में समाज के सभी तबकों का ख्याल रखा है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी, मंडल महामंत्री आशुतोष मिश्रा, जिला महामंत्री रमेश भार्गव, मंडल उपाध्यक्ष राम प्रताप यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद पांडे, ज्ञानू धनगर, रवि तिवारी, अरविंद तिवारी आदि मौजूद थे। अवध सुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरिगांव में सड़क सुरक्षा माह के तहत एआरटीओ परिवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने सैकड़ों वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाए। इस दौरान उन्होंने चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी। इस मौके पर 88 उपाध्यक्ष विजय वीर सिंह राणा ने बताया कि 104 ट्रैक्टर ट्राली, 55 ट्रक और 79 बैलगाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इस मौके पर आरक्षी कपूर गौड़, राजीव सिंह, मनोज कुकरेती, रवि शर्मा, सुधीर श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। हरगांव क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों खुश दिखे। प्रधानाध्यापक मोहम्मद इमरान ने कहा कि काफी दिनों बाद विद्यालय में रौनक लौटी है। शिक्षिका मनीषा, दीक्षा व शिक्षक विवेक के साथ ही कक्षा 8 के आनंद, रवि, अनुराग, संगीता ने भी खुशी व्यक्त की। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में रंगोली भी सजाई गई। L2 अस्पताल के विरोध में CSC खैराबाद पर हुए प्रदर्शन के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। SDM सदर अमित भट्ट और CO सिटी पीयूष कुमार सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना अध्यक्ष OP राय ने बताया कि बीनू सिंह, निशा सिंह, नीतू सिंह और विजय सिंह का 151 में चालान भेजा गया है। राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल की ओर से शहर के राजा टोडरमल पार्क में राजा टोडरमल की 518वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान टोडरमल की मूर्ति का माल्यार्पण किया गया। इसके बाद वक्ताओं ने राजा टोडरमल के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। संचालन संजय पुरी ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र की महामंत्री भाजपा नीरज वर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष भारत विकास परिषद हरीश शाह, प्रेमनाथ पुरी, गुरुद्वारा अध्यक्ष चरणजीत सिंह, पूर्व MLC भरत त्रिपाठी, विशंबर दयाल तिवारी, प्रीति पुरी, शेखर पुरी, विनय पुरी, आशीष निषाद, कमलेश मृदु, मुजीब सीतापुरी, मुरलीधर यादव, राजस्व सुरक्षा दल जिलाध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, महासचिव शिवलेंद्र सिंह चौहान, जिला महामंत्री बनवारी लाल सैनी आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन निगम और परिवहन विभाग की ओर से बुधवार को खैराबाद वर्कशॉप में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। सीतापुर डिपो के ARM विमल राजन और यात्री कर अधिकारी सहपर किदवई ने चालकों परिचालकों को
महिला यात्रियों की सुरक्षा व सम्मान का पाठ पढ़ाया। बसों पर भी जागरूकता स्लोगन के स्टिकर चस्पा किए गए। दामिनी हेल्पलाइन नंबर 8114277777 के संबंध में जानकारी दी गई। महिला यात्री किसी भी तरह की समस्या होने पर इस नंबर पर शिकायत कर सकती हैं। मोहली के मोहल्ला विकास नगर में करंट लगने से एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया। आनन फानन में उसे सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूर्व सभासद बीरेन चौधरी के घर निर्माण कार्य चल रहा था। बुधवार को स्लैब डाली जा रही थी। इसी मोहल्ले का निवासी 22 वर्षीय राजू पुत्र बटेश्वर मजदूरी का काम कर रहा था। काम करते समय अचानक उसका हाथ पास से गुजरी एलटी लाइन से छू गया। करंट की चपेट में वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सीएससी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहर कोतवाली देहात इलाके की सिटी स्टेशन के पास बुधवार दोपहर रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला। भगवानपुर के निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि कफील खान ने बताया, मृतका आरती पत्नी अनूप है। रामकोट थाना क्षेत्र के ननसोहा गांव की रहने वाली है। वह अपने ननिहाल भगवानपुर आई थी। एसओ जीआरपी ने बताया, घटना की जांच की जा रही है। सीएससी खैराबाद पर बुधवार को गर्भवती महिला को एडमिट करने से मना कर दिया गया। ऐसे में महिला को ऑटो रिक्शे पर ही प्रसव हो गया। हालांकि बाद में सीएससी की नर्स ने ऑटो पर ही पहुंचकर प्राथमिक उपचार दिया और उसे उपकेंद्र बरई जलालपुर भेज दिया गया। बता दें, खैराबाद के मोहल्ला अर्जुनपुर के गफ्फार अपनी बेगम सबाना को लेकर अस्पताल आए थे। मछेटा थाना से सटे हुए दखिनारा मोहल्ला में मंगलवार रात लकड़कट्टों ने हरे भरे दो नीम के पेड़ काट डाले। हैरत की बात यह है कि कुछ दूर स्थित थाने के पुलिस कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। थानाध्यक्ष मछेटा राजकुमार ने बताया कि जांच करके कार्रवाई की जा रही है। शहर से सटे गांव बंदीपुर के दुर्गेश्वरी धाम से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष रत्नेश अवस्थी ने बुधवार को जल यात्रा निकाली। सरना गांव स्थित पिरई नदी तट से कलश भरा यात्रा आचार्य धनंजय शुक्ल, मुख्य यजमान राम दुलारे शुक्ल, निवर्तमान प्रधान संचालक रमेश चंद्र अवस्थी, राम प्रसाद, जगदीश, रमेश, दिनेश, सर्वेश, महेंद्र, गुरदीप, राहुल आदि शामिल थे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर।